स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी ते। इस वेले दी वड्डी खबर, कुछ समा पहले चंडीगढ़ विच पंजाब पुलिस दे डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच डीजीपी दिनकर गुप्ता ने एक वड्डा खुलासा किया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता के मुताबिक कल शाम 6:15 बजे यानी कि 8 अगस्त 6:15 बजे अमृतसर के पिंड डालेके दे विच एक टिफन दे विच बंब मिलिया, खतरनाक बंब पुलिस नू प्राप्त होया। इस बंब जिहड़ा है क्या जा रहा है, डीजीपी दिनकर गुप्ता के मुताबिक ड्रोन के जरिए बॉर्डर तो उस पार आया है जिथे बंब मिले है। ये पिंड बॉर्डर के कोल सीगा, पाकिस्तान के नाल लगता है पिंड है जिथे ये बंब एक बच्चों के प्लास्टिक के टिफिन में मिले है। जिस तरह बच्चों का टिफिन होंगे डबल डैकर टिफिन बच्चों लई जो लंच बॉक्स लई भेजा जाता है स्कूल के, उस तरह के लंच बॉक्स के एक खतरनाक बंब मिले है। IED बंब सीगा, ये 2 तो 3 किलो कहा जा रहा है कि RDX भरया होया और 3-4 तरह इस बंब न फोड़न के तरीके से स्विच लाया गया, मोबाइल न कनैक्ट किया गया, मैगनेट्स लाई गई, 3 तो 4 तरीके DGP दिनकर गुप्ता के मुताबिक जिस जिन्होंने इस बंब न भेजा सगा उन्होंने इस बंब न विस्फोट करने 3 तो 4 अजिहे मैकेनिज़म वरते सके कि बंब फट सकता सगा और वड्डा नुकसान कर सकता सगा। दरअसल DGP दिनकर गुप्ता ने यह दसिया है कि 7 ते 8 अगस्त की दरमियानी रात को लोपोके पिंड के एक सबका सरपंच ने पुलिस को कंप्लेंट दी थी कि उन्होंने रात को ड्रोन की आवाज़ सुनी है। आवाज़ सुनते ही उन्होंने कंप्लेंट की कि किसी तरह का ड्रोन जिहड़ा पाकिस्तान वल दी अमृतसर वल नू आया, लोपोके पिंड वल नू आया। तो यह शिकायत जो उन्होंने की तो पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी किया तो पंजाब पुलिस को एक वड्डी सफलता हासिल हुई है। डालेके पिंड अमृतसर जिले का ही डालेके पिंड और लोपोके थाने के पिंड पैंदा है, उत्थों एक टिफिन बॉक्स जिवें मैं तुहानूं दस रहा बंब मिलिया जिंदा बंब सीगा, वड्डा नुकसान बंब है कर सकता सीगा। IED इंप्रोवाइज्ड जिहड़ा डिवाइस हुंदा है एक्सप्लोजिव डिवाइस वाला ये बंब सीगा, इहदे विच 2 तो 3 किलो का पंजाब पुलिस के DGP दिनकर गुप्ता दावा कर रहे हैं कि इहदे विच RDX सीगा, इस तरह का बंब बनाया गया सीगा, मैकेनिकल बंब सीगा। 3 तो 4 तरीके जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि स्विच लाया, मैगनेट्स लाइया कि जे बंब कोई टिफन नूं टकराएगा आपस दे विच तां बंब उदों भी फट सकदा सीगा, स्विच भी जे कोई दबांदा बंब फट सकदा सीगा, मोबाइल दे नाल सर्किट दे नाल भी जे कोई सिग्नल भेजना उह भी कनैक्ट किया गया सीगा। इस तों इलावा एक स्प्रिंग भी लाया गया सीगा, जे स्प्रिंग भी हिलदा तो बंब फट सकदा सीगा तो वड्डा नुकसान हो सकदा सीगा। पंजाब दे अमृतसर दे विच बंब मिलिया जो पंजाब पुलिस कह रही है कि बॉर्डर तो उस पार तो आया सीगा ड्रोन दे जरिए। जो शुरुआती जांच है पंजाब पुलिस की उहदे मुताबिक ड्रोन दे जरिए जो जिस ड्रोन की आवाज़ आई सीगी उस ड्रोन दे जरिए ही एक स्कूल बैग या बैग दे विच इस तरह का बंब भेजा गया सीगा। सिर्फ बंब ही नहीं, इस बंब दे नाल 100 राउंड जिहड़े ने 9mm पिस्टल दे भी सीगे। इस तों इलावा जिहड़े बंब दे विच बंब दे नाल हैंड ग्रनेड भी मिले ने, तो इस तरह का खतरनाक एक्सप्लोजिव डिवाइस बंब गोलियां भेजिया गई सीगियां ड्रोन के जरिए एक बैग दे विच पंजाब पुलिस नूं बरामद हुई है। पंजाब पुलिस ने फिर इहदी जांच जिहड़ी है NSG नूं दित्ती, इहदी जानकारी NSG नैशनल सिक्योरिटी गार्डस नूं दित्ती। NSG की टीम आई तो NSG की टीम ने अज प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दे विच खुलासा किया जो DGP दिनकर गुप्ता ने दस्या है, जिस मुताबिक 2 तो 3 किलो दस्या जा रहा है कि टिफिन बॉक्स के RDX सीगा डबल डैकर, जिस तरह के आम तुहाडे घर दे विच टिफिन बॉक्स पए हुंदे ने बच्चों के लिए, तुसीं बच्चों नूं जिस टिफिन बॉक्स के लंच भेजते हो स्कूल च उस तरह के टिफिन दे विच एक अट्रैक्टिव जरिए दे नाल उस विच बंब भेजा गया सीगा। किस ग्रुप ने भेजा है इहदा हजे खुलासा पंजाब पुलिस नहीं कर पाई है, पर वड्डी घटना 15 अगस्त तो पहला पंजाब पुलिस ने टाल दिती है। वड्डा हादसा हो सकता सीगा, बच्चों को टारगेट किया जा सकता सीगा क्योंकि टिफिन बॉक्स के बंब भेजा गया सीगा, तो पंजाब पुलिस का एक वड्डा मिशन जिहड़ा है सक्सैसफुल होया। हुण इहदी अगे दी जांच NSG कर रही है। मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकुश महाजन जुड़ चुके हैं जो कुछ समा पहला DGP दिनकर गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सके। अंकुश, बड़ी वड्डी जिहड़ी है घटना घटन तो रोक लिया, हादसे को घटन तो रोक लिया पंजाब पुलिस ने और 15 अगस्त को खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर जिले के विच सीगे। हालात बिगाड़न की जिहड़ी मंशा सी अतवादी की उस नूं पूरी तरीके खत्म कर दिता है पंजाब पुलिस ने, उस नूं रोकण
सफलता हासिल की, जिवे की डीजीपी गुप्ता वालों दसा गया कि अमृतसर का जरा पिंड रोके उ बॉर्डर तो उस पानो कुछ ड्रोन आते थे, कई बार पंजाब पुलिस ने सफलता हासिल की उन्होंने ड्रोन पकड़ ली, पर जिवें डीजीपी दिनकर गुप्ता कह रहे हैं कि सानू खदशा है कि ये बॉर्डर तो उस पार आया, तो फिर बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, क्या कि बीएसएफ जेड़ा साउंड सरपंच ने सुने, एक सरपंच ने सुने ड्रोन का, तो बीएसएफ की उसे फेल हुई वो उस ड्रोन जिस तरह भेजा जा रहा है आवाज़ सुनने तो बीएसएफ फेल होगी, और जे ये आम शख्स ना कंप्लेंट करता तो कोई वड्डा हादसा कोई वड्डी वारदात हो सकती सी। मुश्किल हो जाता है कि बच्चों का टिफिन बॉक्स, मैनूं लगता है कि रडार से भी नहीं हुंदा, जांच एजेंसियां ने भी कहती भी जांच करनी है, बच्चों का टिफिन बॉक्स बड़ी मामूली जी चीज समझी जाती, और जो बच्चों के कोल टिफिन बॉक्स हुंदा तो कई मासूम लोगों की जान भी जा सकती सी, कई लोगों का नुकसान हो सकता सीगा, वड्डी वारदात होने तो टली एक किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया, इन्नी वड्डी कंसाइनमेंट नूं फड़िया है पंजाब पुलिस ने, एनएसजी ने, तो किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट हाई अलर्ट कोई पंजाब दे विच होया होवे? देखो है सच तो कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन 15 अगस्त को लेके हर साल सारे देश के सारे सूबे की जी सरकार है वो अलर्ट जारी कर दी है, तो पंजाब के भी अलर्ट जारी है, तो सुरक्षा लगातार बढ़ाई भी जा रही है, चेकिंग तो हो रही है, तो उसी चेकिंग में इस तरह कह सकते हैं कि जी सुरक्षा काफी मुस्तैद की गई है, लेकिन जिस तरीके जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन ड्रोन के बारे नहीं पता लगे वो भी सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल 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 कमी भी दिखाता है कि किवे आपस के बीच कम्युनिकेशन गैप है, अगर ये कम्युनिकेशन गैप पहली बारी, पर अंकुश पहली बारी इतनी बड़ी कंसाइनमेंट और इस तरह का खतरनाक विस्फोटक चीज जी है सामग्री जी है बॉर्डर तो उस पार आई है आईईडी आरडीएक्स 2-3 किलो आरडीएक्स है, मैं लगता है कि जे आरडीएक्स का आप विस्फोट समझिए तो एक समागम के 2-3 किलो आरडीएक्स जो वरत्या जाए तो खासा नुकसान कर सकता सीगा। बिल्कुल बड़ा नुकसान
ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਆਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਕੋ ਦਿਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਸ ਸਿਗਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀ ਕੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆਇਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪੋਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ 6:15 ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਫੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 7 ਲੇਅਰ ਦੇ ਫੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੁਭਾਵਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋੜਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਣਾ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ BSF ਜੋ ਖੁਦ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਡਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ BSF ਦੇ BSF ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਡਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV